here again to discuss time value of money in specific context of annuities. Looking at this video, you will be able to calculate both future and present value of a stream of equal cash flows and a stream of mixed cash flows. You will be able to distinguish between an ordinary annuity and an annuity due. Use interest factor tables and understand how they provide a shortcut to calculate present and future values. You will be able to use the interest factor table to find unknown interest rate. And lastly, you will be able to build an amortization schedule for an installment style loan. Agar hum annuities ki baat karein, to annuity represents a series of equal payments that is occurring over a specific number of equidistant periods. कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कंपनी के साथ, वो इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, वो कार लोनिंग वाली कंपनी हो सकती है, कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको आप कोई लमसम अमाउंट या उसको पीरियडिक पेमेंट देते हैं और उसके बदले में आपको इक्वल इंटरवल्स के बाद आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी जो है वो डिस्पर्स होती है, उसको हम एनविटीज़ कहते हैं। उसकी दो टाइप्स हैं, एक ऑर्डिनरी एनविटी है, एक जो है वो एनविटी ड्यू है। ऑर्डिनरी एनविटी का मतलब है कि पेमेंट्स आर रिसिपिएट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, वेयर एज एनविटी ड्यू मीन्स पेमेंट्स आर रिसिपिएट्स अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। एग्जांपल्स ऑफ एनविटीज इंक्लूड स्टूडेंट लोन पेमेंट्स, कार लोन पेमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, मॉर्गेज पेमेंट्स एंड रिटायरमेंट सेविंग्स। पार्ट्स ऑफ एनविटीज को डिस्कस करें तो ऑर्डिनरी एनविटी के जो पार्ट्स हैं उसको हम इस डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। हम जब भी एनविटीज को के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने एनविटीज की ये जो फ्लो चार्ट है बनाना है, हमने इसको ड्रा करना है। जब ऑर्डिनरी एनविटी की जो हम जो ड्रा करेंगे वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा और जितने पीरियड्स भी होंगे, 3, 5, 7, 10, 15, 50, जितने पीरियड्स के लिए भी हमारे पास हमें इक्वली इंटरवल पे पेमेंट्स मिलेंगी और पीरियड्स को हमने आगे फिर ड्रा करना है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ नोट करने की वो ये है कि आपको जो भी इक्वल पेमेंट्स मिलेंगी आपकी पेमेंट करने के बाद, आपके साथ जो इक्वल इंटरवल्स के बाद आपको जो डिस्पर्समेंट्स ऑफ पेमेंट होंगी वो आपको हमेशा एट द एंड ऑफ द पीरियड होगी। जो भी कैश फ्लो होगा वो आपको ईच पीरियड के एंड पे मिलेगा। फेयर एज ऑर्डिनरी ड्यू है, उसमें जो सिनेरियो है वो ये है कि आपको जो पेमेंट्स मिलेंगी वो पेमेंट्स हमेशा आपको ईच पीरियड के जो जिसमें भी आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है वो डिस्पर्समेंट ऑफ मनी जो है वो आपको हमेशा एट द स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड होगा। और जो हम यहाँ से आके दो काम कर सकते हैं इन एनविटीज में, जो आइदर ऑर्डिनरी एनविटी हो या एनविटी ड्यू हो, वी कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यूज एंड वी कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यूज। पहले हम सिनेरियो देखेंगे ऑर्डिनरी एनविटी का एंड एनविटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यूज है, फिर हम सिनेरियोज देखेंगे ऑर्डिनरी एनविटी का और एनविटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू के सिनेरियोज में। जो ओवरव्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी इन केस ऑफ फ्यूचर वैल्यूज है तो उसको हम जब ड्रा करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो सिनेरियो क्रिएट होगा वो बेशक हो या लिमिटेड टाइम के लिए हो तो उसकी जो डेरिवेशन होगी पेमेंट्स की वो कुछ इस तरीके से होगी जैसे आपके सामने इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, कैश फ्लो पीरियड में नज़र आ रहा है। आपने इन जो $1,000 की पेमेंट्स हैं वो कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हुए, आप उसको पे बैक करेंगे, आपको जो डिपॉजिट करेंगे और उसके बदले आपको जो है वो हर साल 7% इंटरेस्ट पे आपको पेमेंट्स जो हैं वो वापस मिलेंगी। जब आप फर्स्ट ईयर के एंड पे फर्स्ट जो भी कैश फ्लो है वो जब आपको मिलेगा वो उसका जो फार्मूला है उसको इस आपके सामने ये येलो बॉक्स में नज़र आ रहा है, उसकी फ्यूचर वैल्यू एनुटी कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इंटरेस्ट रेट आपके पास था 1+i/n। अब जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम उसमें ऐड करेंगे, 7% है तो 1.07/2 हो जाएगी, प्लस इससे नेक्स्ट ईयर की, अब 2 का मतलब है कि अब मज़ीद जो है वो दो पेमेंट्स रहती हैं। अब नेक्स्ट ईयर की जो आपकी कैश फ्लो आएगा, जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है कि अब वो नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप पेमेंट निकालेंगे तो आप 1000 × 1.07/1 करेंगे और जब आप उसको एट द एंड ऑफ द ईयर तीसरी जो पेमेंट के लिए जब आप
फ्यूचर एंड वैल्यू एनवीटी फाइंड आउट करेंगे तो फिर उस वक्त आपकी जो वैल्यू आएगी, टाइम पीरियड आएगा, वो ज़ीरो आएगा, बिकॉज के 3 ईयर्स की आपके साथ डिस्कशन हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, और 3 ईयर्स आपके पूरे जो कि आपको पहले साल के एंड पे मिला है, दूसरे साल के एंड पे मिला है, और तीसरे साल के एंड पे भी आपको पेमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से आप इन तीनों पेमेंट्स को जमा करेंगे तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू उसकी आपको एनविटी आ पेमेंट जाएगी। सारी वापस मिल जाए। ऑन द अदर हैंड जो आपकी आपके पास एनविटी ड्यू है उसका जो सिनेरियो होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करते हैं। अभी इसको अगर हम जो एग्जांपल देखने ऑर्डिनरी एनविटी की, तो उसमें जो हमने यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की आपके सामने देखें, 3 ईयर्स के लिए आपको जो पीरियाडिक पेमेंट्स हैं $1,000 की वो मिल रही हैं, और 7% इंटरेस्ट रेट का आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो फर्स्ट ईयर की आपको जो पेमेंट मिलेगी उस पे आपको जो जो आपको पेमेंट मिलेगी उसके बाद 7% लग के आपको सेकंड ईयर में, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में आपको इस तरह टोटल जो फ्यूचर वैल्यू है 3 ईयर्स के बाद वो आपको 1,000 की पेमेंट के साथ 3,215 आपको मिलेगी। अगर हम इसको फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करना चाहें तो ये नीचे बॉक्स में, येलो बॉक्स में आपके सामने कैलकुलेट किया हुआ है कि आपने जो है वो फ्यूचर वैल्यू एनविटी ऑफ 3 ईयर्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ इंटू 1 + 0.7 की पावर 2 प्लस प्रिंसिपल इंटू 1 + 0.7 की पावर 1 एंड एट द एंड 1,000 × 1 + 0.7 की पावर 0। अब ये पावर जीरो जो है वो पहले कैश फ्लो के उसको शो कर रही है, जहाँ सॉरी ये जो कैश फ्लो टू है ये शो कर रहा है कि आपको 2 साल मजीद पेमेंट्स मिलेंगी, जिसके पावर वन जो है वो शो करेगा आपको मजीद एक और पेमेंट मिलेगी, और जो पावर जीरो है वो ये शो करेगी कि अब आपकी पेमेंट जो है पीरियाडिक पेमेंट्स एंड हो चुकी हैं, अब आपको मजीद कोई और पेमेंट नहीं मिलेगी। तो जब इन हम इन सबको हम जमा करेंगे तो आपको जो पेमेंट टोटल मिलेगी वो 3,215 जो है वो मिलेगी आपको। एनविटी कैलकुलेशन के लिए हमें एक हिंट दी जाती है, वो क्या है कि द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनविटी कैन बी व्यूड एज अकरिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट कैश फ्लो पीरियड, वेयर एज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू कैन बी व्यूड एज अकरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट कैश फ्लो पीरियड। कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है ऑर्डिनरी एनविटी उसकी जो आपको पेमेंट होगी वो एट द एंड ऑफ द कैश फ्लो पीरियड होगी लास्ट कैश फ्लो के, और जो एनविटी ड्यू है उसमें आपको जो बिगिनिंग ऑफ द लास्ट कैश फ्लो के आपको पेमेंट मिलेगी। उसको अब दूसरा तरीका वही टेबल वाला हम जो हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन में कंपाउंड एंड सिंपल की, अगर हम उसको हम टेबल यूज़ करें तो हम फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटीज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास ये फार्मूला गिवन है कि आप जो आपके पास प्रिंसिपल पीरियाडिक पेमेंट्स हैं आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वैल्यू ऑफ एनविटीज गिवन द इंटरेस्ट एंड टाइम, टाइम पीरियड, आई मीन इंटरेस्ट एट टाइम पीरियड के हिसाब से टेबल में देखेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो रेड कलर में शो की हुई है 3.215, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पीरियाडिक पेमेंट्स के साथ तो आपको जो है वो एनविटीज का फाइनल पेमेंट मिल जाएगी। नाउ वी विल मूव टू आर सेकेंड टाइप ऑफ एनविटी, डेट इज एनविटी ड्यू। जब हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो कैश फ्लोज होंगे वो अकर होंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, आपको जो भी पेमेंट्स मिलेगी स्टार्ट में मिलेगी। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि आपके पास फ़र्ज़ किया एन टाइम पीरियड्स के लिए आपको जो है वो पेमेंट्स दी, आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है एनविटीज़ मिलनी है, तो आपको हर पीरियड के स्टार्ट में जो है वो एनविटीज़ मिलेंगी। फार्मूला आपके सामने गिवन है, फ्यूचर वैल्यू एनविटी ड्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एनविटी इंटू 1 + i जो सम करके हमने लिखा फार्मूला। अब इसको हम थ्रू देखें तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे आपको 3 ईयर्स की एग्जांपल अगर लेंगे, 3 सालों के लिए अपने एनविटी ड्यू जो है वो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो वहाँ पे आपको जो आप फार्मूला में आपको डिफरेंस यह नज़र आएगा कि वहाँ पे हम जो पावर ले रहे थे टाइम एनविटीज़ की वो 3, 2, 1 एंड 0 ले रहे थे। यहाँ पे हम जो चीज़ सिनेरियो होगी वो क्या होगी कि जब आप शुरू में आप पेमेंट आपको मिलेगी इट मीन्स कि आपको जो स्टार्ट में मिलेगी अब मजीद आपको और भी मिलनी है, और वो शो हो गई नंबर ऑफ टाइम पीरियड से। जब पहली साल आपको मिलेगी तो आप पावर 3 मेंशन करेंगे इट मीन्स कि आपको 3 और मिलनी है, फिर उसके बाद पावर 2 फिर पावर 1, और वहाँ पे आप जो है टोटल जब सम करेंगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू एनविटी ड्यू मिल जाएगी। सिमिलरली इसको हम टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं, जब हम टेबल के थ्रू देखना चाहें तो फिर आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे,
future value NVT due is equal to periodic payments into future value interest factor of NVT is given the interest and time plus 1 plus I जो है आप इसमें आप एडिशनल मेंशन करेंगे. जब आप 1 प्लस आई एडिशनली मेंशन करेंगे तो अब जो है वो आपको जो टोटल कैलकुलेशन करके आप देखेंगे तो आप जो पेमेंट आपको मिलेगी वो 3440 मिलेगी. अब अगर हम दोनों तो आपको जो है वो सिनेरियो में जो है वो जो ज़्यादा पेमेंट हो वो ऑर्डिनरी एनुटी के कैश में सिनेरियो ऑन करते हैं. हिंट ऑन एनुटी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी कैन बी व्यूड एज अकरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट कैश फ्लो पीरियड. ऑन द अदर हैंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनुटी ड्यू कैन बी व्यूड एज द अकरिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट कैश फ्लो पीरियड. वही बात कि आप ऑर्डिनरी एनुटी की बात करेंगे तो अब आपको जो एनुटी ड्यू में आप जब जो है वो एनुटी वैल्यूएशन की बात करेंगे तो अब प्रेजेंट वैल्यू आपको जो है वो इस तरह मिलेगी कि एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड मिलेगी. ठीक है, क्योंकि हम जो है वो किसी भी फ्यूचर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो आप प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन जब वो करेंगे तो आपको एट द स्टार्ट ऑफ द कैश पीरियड मिलेगी. और इस जब एनुटी ड्यू में बात करेंगे तो फिर आपको एट द एंड ऑफ द कैश फ्लो मिलेगी, क्योंकि हम प्रेजेंट वी आर डिस्कसिंग द प्रेजेंट वैल्यू सिनेरियो. वैल्यूएशन यूजिंग टेबल को जब हम करेंगे तो सेम वही आप फ्यूचर वैल्यू एनवर्टीज के बजाय प्रेजेंट वैल्यू एनवर्टीज है और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनवर्टीज के बजाय हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वाला टेबल यूज़ करेंगे. फिनोमेना सारा वही है तो उससे आपको जो है वो वैल्यू मिल जाएगी एनवर्टीज की. ओवरव्यू ऑफ एन एनवर्टी ड्यू इन केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू तो उसमें आपको जो सिनेरियो होगा वो कैश फ्लो मिलेगा अकर होगा एट द एंड ऑफ द बिगिनिंग पीरियड के स्टार्ट में आपको जो है वो पेमेंट्स मिलेंगी. तो अब आपको उसका फार्मूला जो है वो क्या होगा, अब आप जो है उसकी अगर हम एग्जांपल एट द स्टार्ट पेमेंट मिलेगी, फिर उसके बाद आप फर्स्ट पीरियड के एंड पे, फिर उसके बाद सेकंड पीरियड के एंड पे, टोटल थ्री में आपको पेमेंट्स मिलेंगी. उन थ्री पेमेंट्स को जब हम सम करेंगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू एनुटी ड्यू की वैल्यू मिल जाएगी. फ्यूचर वैल्यू के दो सिनेरियो सॉल्व किए, दो सिनेरियो हमने प्रेजेंट वैल्यू के सॉल्व किए. एक प्रेजेंट वैल्यू का एक सिनेरियो एनुटी ड्यू और दूसरा ऑर्डिनरी एनुटी के सिनेरियो में. इसी तरह फ्यूचर वैल्यू का भी एक सिनेरियो एनुटी ड्यू एंड ऑर्डिनरी एनुटी के सिनेरियो में हमने सॉल्व किया है. सिंपल अगर हम इसको जो है कंक्लूड करें तो हम कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करने के लिए तीन चार बेसिक स्टेप्स हैं. हमने क्या करना है, जब भी हमें टाइम वैल्यूएशन दी जाएगी किसी भी प्रॉब्लम को साफ करने की तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को थॉरली रीड करेंगे. देन सेकंडली यू हैव टू क्रिएट अ टाइमलाइन, जैसे अभी आपको पीछे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नजर आई. अब आपको फिर उनकी कैश फ्लोज को पुट करना है एनवर्टीज दोनों के सिनेरियो में, ड्यू एंड ऑर्डिनरी के सिनेरियो में, कहाँ पे किसके शुरू में होगा, किसके एंड पे होगा, और एरोज भी आपने डालने हैं कि आपको पेमेंट्स कैसे मिलेंगी. फिर उसके बाद आप जब जो है वो चौथे नंबर पे आप जो स्टेप है उसमें हम ये कहेंगे कि वो देखेंगे कि वो प्रॉब्लम जो है वो फ्यूचर वैल्यू का है या प्रेजेंट वैल्यू का है. प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू की डिटर्मिनेशन करने के बाद हम जो है फिर देखेंगे कैश फ्लो सिंगल टाइम पीरियड के लिए एनवर्टीज है या मिक्स्ड फ्लो आ रहा है, और फिर एट द एंड हम उसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा. इसको आप जो है वो कैलकुलेटर के फाइनेंशियल कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं. कंपाउंडिंग अगर आप एनुअल करेंगे तो एम विल be given as 1, अगर semi-annually करेंगे तो m will be considered as 2, monthly considered as 4, 12, quarterly करेंगे तो m will be considered as 4, and अगर daily करेंगे तो आप m जो है वो frequency जो है वो 365 calculate होगी. उस तरीके से फिर आपको calculations की value मिलती जाएगी. Another simple concept is effective annual interest rate. जो ये जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं मुझसे फाइनेंशियल मार्केट्स में, आपकी इकोनॉमिक एनालिसिस में, फाइनेंशियल एनालिसिस में, उसके लिए एक जो अनदर कंसेप्ट यूज़ होता है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट. उसकी सिंपल डेफिनेशन यह है दैट इज़ द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर एडजस्टिंग द नॉमिनल रेट फॉर फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर. जब आप उसके कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर को एडजस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो आप वैल्यू इंटरेस्ट रेट निकालते हैं वो आपका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट है, जो आपको जो भी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसके एंड पे आपको मिलता है. पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एमोर्टाइजिंग अ लोन. व्हाट इज एमोर्टाइजिंग अ लोन? इट इज अ टाइप ऑफ डेट दैट रिक्वायर्स रेगुलर मंथली पेमेंट्स आइदर एट द एंड ऑफ ईच मंथ और जो भी टाइम पीरियड आपके साथ वो अपने इन डिस्कशन है.
A portion of the payment goes towards the loan principal and part of it goes towards the interest. अब कहने का मकसद ये है कि आपने कोई भी आपने कोई कर्ज़ा लिया हुआ है तो उसके बाद आप एक उस लोन को किस तरीके से ख़त्म करेंगे, उस लोन को कैसे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअल पेमेंट्स करने के बाद, एनुअल पेमेंट्स करने के बाद कैसे आप उसको पे बैक करेंगे, उसको एमोर्टाइजिंग लोन कहते हैं। उसके कुछ स्टेप्स हैं। अब पहला स्टेप क्या है कि आपने कैलकुलेट करनी है पेमेंट पर पीरियड। सेकेंड स्टेप में आपने डिटरमाइन करने हैं इंटरेस्ट इन पीरियड टी। थर्ड स्टेप में आपने प्रिंसिपल पेमेंट इन पीरियड टी को कंप्यूट करना है। फोर्थ स्टेप में आपने जो एंडिंग बैलेंस बच जाएगा उस टाइम पीरियड में उसको आपने डिराइव करना है। नेक्स्ट टाइम पीरियड में अब जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो अगेन फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा कि आप जो है पहले नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए पेमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट डिटरमाइन करेंगे, फिर उस टाइम पीरियड का प्रिंसिपल अमाउंट डिटरमाइन करेंगे और फिर उस टाइम पीरियड के बाद जो बैलेंस बच जाएगा उसको डिटरमाइन करेंगे और देन ये प्रोसेस अगले टाइम पीरियड तक चलता रहेगा जब तक लोन। एग्जाम्पल दी हुई है आपके सामने कि एक बंदा है, उसने $10,000 पर बाय किए हैं, लोन लिया है, बारो किए हैं, लोन लिया है एट कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। और उस लोन को एमोर्टाइज करने के लिए अगर वो एनुअल पेमेंट्स करे 5 सालों के लिए तो फिर उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, वो इस फार्मूले से आपके सामने जो है वो शो हो रही है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जो आपके पास जो पीरियाडिक पेमेंट्स हैं इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर गिवन द इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। इंटरेस्ट रेट 12% है, टाइम पीरियड 5 ईयर्स हैं, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो $10,000 है। अब हमने जो है वो पीरियाडिक पेमेंट को कैलकुलेट करना है, बाकी सारे चीज़ें फार्मूले में मौजूद हैं तो हम रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि अब हमने जो है वो $2,774 की पीरियाडिक पेमेंट्स करनी है, तब हमारा जो 5 सालों में जाके 10,000 का जो हम डॉलर्स का जो हमने लोन लिया था ये ख़त्म हो जाएगा। यूजफुलनेस क्या है? इसकी यूजफुलनेस क्या है कि आपको पहली बात तो ये पता चल जाता है कि जी आप इजीली इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम को जो है वो रिड्यूस करेगा। और दूसरी बात, आप जितना आपका डेट आउटस्टैंडिंग रहता होगा उसका आपको बआसानी पता चल जाएगा। जब आप हर टाइम पीरियड में इंटरेस्ट पेमेंट को अलग करेंगे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट को अलग करेंगे, फिर पेमेंट्स को अलग करेंगे और जो बाकी बैलेंस बच जाएगा आउटस्टैंडिंग होगा उसको अलग करेंगे तो आपके लिए ईजिली नेक्स्ट टाइम पीरियड में फाइनेंशियल प्लानिंग करना आसान हो जाएगा। आज की वीडियो में यही कुछ था। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।